हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरेटर और इटरेटर। कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जे सेम लूप की तरह होता है। तो कैसे हम यूज करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, कोई भी ले लो। उसके बाद मैंने जहाँ पर कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, एबीसी कर देते हैं, नहीं तो हम लिख ही देते हैं। नाम लिख दो, जहाँ पे लिख दो ग्रेप्स, जहाँ पे लिख दो ऑरेंज। ये एक लिस्ट क्रिएट कर दी। तो इसको मैंने जहाँ से एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी, यहाँ पर मैंने लगा दिया कीवर्ड आइटर ईटर। ठीक है, कोई भी कुछ भी प्रोनाउंस कर दो आप। तो ये हमारा एक कीवर्ड है, तो इसको हम करेंगे, जो भी मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था उसको मैंने इसके बीच लिख दिया। इसका काम क्या है वो देखो, प्रिंट कर देते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास कीवर्ड आएगा नेक्स्ट। ये यहाँ पर हमारे पास एक लिख सकते हैं आप नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल सेकंड क्रिएट किया था मैंने बी लिख दिया। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एप्पल आ गया। ठीक है, अब देखो मैं फिर से कर रही हूँ इसको ही कॉपी पेस्ट, यहाँ से तीन बार कर देते हैं तीन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेम, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। इसको करो प्ले। तो अब देखो मेरे पास यहाँ से पूरी आउटपुट दिखाती हूँ। इधर से कर देते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट आई एप्पल ग्रेप एंड ऑरेंज। जो काम हमारी लूप करती है सेम काम जे इटरेटर हमारा एक वेरिएबल कर देता है। कैसे? लूप में भी यही होता है कि हमने कॉन्टिन्यूसली रिपीट करनी होती है वैल्यूज, मतलब जो जो हमारे पास डाटा होगा वो वन बाय वन प्रिंट होता जाएगा। तो जहां पर सेम हमारे पास काम हो रहा है, लेकिन ये लूप से थोड़ा ये बोलो को थोड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि हमें बार बार जहाँ पे प्रिंट 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 लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम इसकी जगह यूज करते हैं लूप। तो जितनी आपके पास वैल्यूज हैं उतनी बार आपको यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं जहां पर नेक्स्ट की जगह एन ई एक्स कर देती हूँ, एन ई एक्स, इसको एन ई एक्स, एन ई एक्स। तो अब देखो जहां से प्ले कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास आया एरर, मतलब ये एक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड है जो आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बस जो चेंज कर सकते हैं वो है ए बी एंड जहाँ पे आएगी लिस्ट। अब आप देखो 3-4 हजार मेरे पास इम्प्लॉय है, जहाँ फिर प्रोडक्ट लिस्ट है, मुझे 3-4 हजार बार जहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो अब मैं जहाँ से एक और एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाती हूँ, जहाँ पे अकेला एप्पल लिख दिया हमने, और जहाँ पर हम लिख देते हैं इसको हटाओ, एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, जहाँ पे लिख दो ईटर। उसके बाद जहाँ पर ए लिख दो, जहाँ से बस इसको करा दो प्रिंट। प्रिंट कराना है हमने बी को, इसको करो प्ले प्ले। अब देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एप्पल ही है। इसने क्या किया, बी हमने प्रिंट कराया है, इसको मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर प्ले क्या हुआ। यहाँ पर देखो एप्पल ऐसे आ गया, ठीक है, इस तरह एप्पल ने प्रिंट करा दिया इसने। तो ये मतलब यहाँ पर अगर हम पूरी डबल स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो वो इसको एक बार पूरा प्रिंट करा देगा। अगर इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो इसके वन बाय वन करेक्टर प्रिंट कराता जाएगा। अगर हमने यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग से ऐड की है, देन वो नेक्स्ट टाइम एक बार इसको पूरा प्रिंट करा देगा, दूसरी बार इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा। अब हमारे पास एक ही आइटम है, तो उसने क्या किया, इसके जो भी करेक्टर है उसको वन बाय वन प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर देखो तीन लिखे हैं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही प्रिंट हुए थे। अगर सारे प्रिंट कराना चाहते हो तो उतनी बार आपको प्रिंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके साथ लूप यूज कर सकते हैं। लूप आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ। कैसे? जहां से हम कर देते हैं इसको ऐसे ही रहने दो, जहां पे हम लगा देते हैं एक लूप, वहां पे बस फॉर लूप लगा दो। फॉर एक्स नाम का कोई वेरिएबल ले लो। उसके बाद इन, यहाँ पर आएगा मेरे पास जो वेरिएबल मैंने ये वाला लिया था जिसमें हमारे पास लिस्ट है, तो ये लग गई हमारी फॉर लूप। इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट हम कराएंगे एक्स को, ये सब हटा देते हैं। ऐसे हम यूज करते हैं यहाँ पे लूप। इसको करो प्ले। तो मेरे पास कुछ ऐसी आउटपुट आ जाएगी, मैं दिखा देती हूँ, जहां से इसको बड़ा कर देते हैं, और ये है हमारी आउटपुट। हमारी लूप ऐसे ही काम करती है, ठीक है, ये काम लूप की जगह होता है। अब देखो हमारे पास लूप और आइटरेटर में फर्क क्या है। दोनों में जहां जहां पर देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रिंट लिखना पड़ा, पूरे का पूरे जहाँ पे जो भी मैंने लिखा है स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ठीक है, इसको एप्पल कर दो।
पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही जहां से होगी प्रिंट, लेकिन जब आप जे वाला आइटरेटर यूज करते हैं तब आपको हर बार प्रिंट लिखना पड़ता है। यही फर्क है लूप और दूसरे में। ये आप तब यूज कर सकते हैं लूप के साथ, लूप के साथ आप यूज करेंगे तो आप वहां पर इसको बहुत इजीली प्रिंट कर सकते हैं। अब देखो जहां पर मैं इसको लगा देती हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ कैसे हम यूज करते हैं। जहां पर मैंने फॉर लूप लगाई है तो फॉर लूप देखो, जहां से मैंने अभी तक कोई भी हमारा इटरेटर मेथड यूज नहीं किया, जो हमारी फॉर लूप लग गई। तो फॉर लूप कैसे लगाते हैं, मैं जहाँ पे एक क्लास बना रही हूँ, क्लास लिखो जहाँ पर एबीसी ए बी लिख देते हैं, और जहाँ पे लिखो डी ई एफ डेफ, एक फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन का नाम है आइटर जे, उसके बाद लिखो सेल्फ, और इसको जहां से मैंने कर दिया सेल्फ डॉट ए, उसके बाद रिटर्न कर दो मुझे वैल्यू सेल्फ। तो ये हो गया हमारा एक एक क्लास होगी रेडी। इसके अंदर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाने जा रही हूँ डी ई एफ नेक्स्ट, जो भी मैंने यहाँ पर आइटरेटर में आपको करवाया है वहां पर वो जहाँ जो जो यूज हुआ होगा वो वहां पर हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कीवर्ड था उसमें तो हमने जहाँ पे लगा दिया नेक्स्ट। ऐसे लूप के साथ हम आइटरेटर यूज करते हैं। एक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ए, उसके बाद लिखो सेल्फ डॉट, हमने करना क्या है जहाँ पे इसको प्लस करा देते हैं, सेल्फ डॉट ए प्लस इज इक्वल टू 1, रिटर्न कर दो मुझे एक्स। तो जे हमारे का क्लास बन गई। अब हम इसको यूज करेंगे प्रिंट कराने में। यहाँ पर हम लिख देते हैं माई क्लास नाम का हम एक बना देते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्लास का नाम आएगा, मेरे पास क्लास का नाम ए भी है, तो इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो भी हमने एक लिया था एक वेरिएबल या एक क्लास ऐसे क्रिएट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं ठीक है, सी बी नाम का कोई भी लिखो, तो सी बी नाम का मैंने क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन मेथड आएगा जहाँ पर इसके थ्रू हम आइटरेटर के थ्रू हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर आएगा माई क्लास नाम का ऑब्जेक्ट, और अब मैं जहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट, प्रिंट कराना है मुझे किसको, सी बी को, एक बार मैंने लिख दिया ठीक है, इसको हम कर देते हैं बैक ऐसे, एक बार मैंने लिख दिया प्रिंट ठीक है, इसको भी बैक करो प्ले करो। इनवैलिड सिंटेक्स हम जल्दी से चेक कर लेते हैं किधर प्रॉब्लम है, वाली लाइन खुद टाइप हो गई, मैंने टाइप कुछ और किया था लेकिन जहां पर आ गया कुछ और। तो हम करेंगे जहां पर सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट ए लिखेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू 1, उसके बाद रिटर्न करेंगे हम, यहाँ पे आएगा रिटर्न, रिटर्न कर दो सेल्फ। ये है हमारा कोड, ये हो गया रेडी, इसको करो प्ले। और यहाँ पर देख लेते हैं ए बी में क्या प्रॉब्लम है, ए बी नाम की क्लास थी हमारी ए बी, यहाँ पर जब भी हम प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास एक नेक्स्ट नाम का वेरिएबल आता है जो हमने लिखा नहीं, तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, इसको करो प्ले, और कोई हमारे पास एरर नहीं है, इसको बस बैक कर देंगे ऐसे, इसको करो प्ले, मेरे पास आ गया 1। तो जहां पर जो मैंने बताया था जे वाला फंक्शन जहां से स्टार्ट होता है दूसरा फंक्शन भी यहाँ पर ही स्टार्ट होना चाहिए बिल्कुल उसके सामने, तो हमारे पास 1 आ गया। इसको हम फिर से कर देते हैं प्रिंट, मैंने लिखा है 1+, मतलब इंक्रीमेंट होता जाए, कितने तक हमने नंबर प्रिंट कराने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। जितनी बार कॉपी पेस्ट करते जाएंगे हमारे पास नंबर आते जाएंगे, 4 तक हो गए, मैंने 4 बार लिखा प्रिंट प्रिंट प्रिंट। तो आप खुद सोच लो अब प्रिंट लूप एंड इसमें क्या फर्क है, लूप में एक ही बार प्रिंट कराते हैं बस सारी लिस्ट प्रिंट हो जाती है, यहाँ पर हमें बार बार प्रिंट 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 लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लूप के साथ ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप अकेला, अगर आपको पता हो थोड़ी बहुत हमने वैल्यूज प्रिंट करानी है देन आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके बीच ही मैं एक लूप लगा रही हूँ, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ सेल्फ डॉट ए लेस देन इज इक्वल टू 20 ठीक है, लूप लगा दी कंडीशन लगा दी मैंने,
और एक्स इज इक्वल टू जे सेम रहेगा ये वाला, उसके बाद जे आएगा इसके बीच, इसको थोड़ा सा कर देते हैं बैक ऐसे, जहां पर इसके आगे चल के यहाँ पर इफ कंडीशन स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए, जहाँ पे इसके बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट, रिटर्न कर दे एक्स, उसके बाद एल्स लगा देते हैं, एल्स रिटर्न कर दे हमें यहाँ से रेज, इसको बोल दो स्टॉप, स्टॉप लिख दो बस, तो यहाँ से हमें स्टॉप बोल दे। उसके बाद फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर लूप लगानी कहाँ पे है, हम यहाँ पर एक लास्ट में चलते हैं इधर, ये है इधर लगेगी हमारी फॉर लूप, जहाँ पे प्रिंट करने से ऊपर, तो जहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमें मैं चाहती हूँ कि मुझे जो बार बार प्रिंट 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 ना लिखना पड़े, तो इसके जगह हम लगाएंगे लूप, इसको हटा देते हैं, इसको हटाओ, हमने प्रिंट प्रिंट नहीं लगाना, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर लूप, फॉर एक्स इन जो भी हमने जे वाला वेरिएबल लिया था सीवी वो लिखो, उसके बाद बस प्रिंट कर दो एक्स को। ये होगी हमारी फॉर लूप, जहां पर एक प्रॉब्लम है जल्दी से देख लेते हैं, एरर है पहले इसको प्ले कर देते हैं, तो जहां पर मेरे पास इसको लिख देते हैं स्टॉप, ये पूरा आएगा, ये है हमारा पूरा एक कीवर्ड, ये देखो ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है इसको आप ऐसे ही लिखेंगे एरर चलेगी, इसको करो प्ले, मेरे पास यहाँ पे आ गई आउटपुट, आउटपुट मैं दिखा देती हूँ आपको, इसको इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो मेरे पास 1 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट हो गए, मुझे बार बार प्रिंट प्रिंट नहीं लिखना पड़ा। आप आइट्रेटर के साथ लूप लगा दो तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने 20 तक कंडीशन लगाई थी, 20 तक चल गई, ऐसे यूज करते हैं लूप के साथ आइट्रेटर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।